मध्य प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों का फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला देवास जिले का है। यहां कुछ दिन पहले शादी करके लुटेरी दुल्हन फरार हो गई थी, जिसे हाट पिपलिया थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि ये लुटेरी दुल्हन भूले भाले युवाओं और उनके परिवार को निशाना बनाती थी। इनका बाकायदा गिरोह है जो पैसे वाले परिवारों को अविवाहित युवकों को ढूंढते हैं और फिर गिरोह की युवतियों और उसकी शादी करवाते हैं। अंत में उस परिवार का सब कुछ लूटकर वहां से भाग जाते हैं। आरोपी यह है किशन लता, वाइफ ऑफ राधेश्याम जाटव, ये किंचीपुर की रहने वाली है और इंदौर में रहती थी, और एक अनूप सिंह राजपूत है और एक मुकेश दुबे पंडित जो कि रोजड़ी के रहने वाले हैं। इन तीनों ने मिलकर के राजन से जो है 110,000 रुपये लिए थे और उसी तार्त में उसे शादी की थी। और ये आए दिन ऐसे ही करते हैं, भोले भाले लोगों को जो है बहलाते फुसलाते हैं और उनसे पैसे ऐड करके एक आध दिन साथ में रहती है ये लुटेरी दुल्हन और फिर वापस चली जाती है।